फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोग्रामिंग टेक ट्यूटोरियल में। और आज से हम सी शार्प का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। यह हमारा पहला क्लास होगी जिसमें हम आपको सी शार्प के बारे में और विजुअल स्टूडियो और डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपको बताएंगे, प्लस इसका फुल्ली आपको डिटेल बताएंगे, फंक्शन, मेथड, क्लास, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको फुल्ली डिटेल देंगे, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और आपको एक 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 करके हर एक कंट्रोल को आपको बाखूबी सिखाऊंगा, जिससे आप मेरे लगभग 10 से 12 वीडियो देखने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कि किसी कंपनी में इंटरव्यू दें और किसी कंपनी में जाके काम कर सकें, जिसमें मैं आपको एवरीथिंग सिखाऊंगा। आपको अगर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, आपको थोड़ी सी इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग में, आप सीखना चाहते हैं, सो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और बने रहने के लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा, जिससे हमारे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं इससे रिलेटेड या हमारे चैनल पे किसी और लैंग्वेज का, जैसे सी शार्प तो मैं सिखाऊंगा, उसके साथ साथ आपको जेक्यूरी भी सिखाऊंगा, प्लस सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, HTML, साथ में आपको डेटाबेस का फुल्ली नॉलेज दूंगा, जिससे आप प्रोग्रामिंग में जितना आपको जानना चाहिए बेसिक्स से लेके एडवांस तक मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, सो आज का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए देखते हैं, जिसमें हम आपको पहले सबसे पहले बता दूं कि इसमें हम अभी से इस ट्यूटोरियल में ओनली हम लोग जानेंगे कि क्या है, क्या काम करता है, कैसे हम काम करना स्टार्ट करेंगे, कौन सा चीज़ क्या होता है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं कि क्या होता है ये चीज़ और क्यों हम इसको ज़्यादा हम महत्व दें और क्यों हम इसके बारे में पूरा पढ़ें। ओके, तो चलिए हम चालू करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, कैसे काम किया जाए। ओके, चलिए पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो क्या है और ये एक इसे मार्केट में क्यों लाया गया है। तो आपको जैसे पता है कि विजुअल स्टूडियो एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे लगभग 52 से 55 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, और ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म है, प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज है। जैसे अगर आप बोलेंगे तो इसमें सी भी आती है, C++ भी आती है, उसके साथ साथ विजुअल सी शार्प, विजुअल बेबी डॉट नेट, MVC और बहुत सारे हैं, एफ शार्प हैं, बहुत सारे इसमें अवेलेबल है। तो हम लोग पढ़ेंगे जो इसमें सी शार्प पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। दूसरी है कि हम लोग विजुअल स्टूडियो मार्केट में क्यों आया। तो बिल गेट ने जब बहुत सारे लैंग्वेज जस्ट लाइक जावा का, जैसे जावा हो गया, C++ हो गया, सी हो गया, सो वो सबको मर्ज कर एक नए प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था, जिसपे बहुत सारे कंट्रोल जो हमें बनाना ना पड़े, जैसे बटन या बहुत सारे कंट्रोल है, टेक्स्ट बॉक्स, जो अगर आप किसी का भी पुराना अगर पुराना प्रोग्रामिंग देखे होंगे जावा कहीं, तो उसमें आपको बटन भी कोडिंग के थ्रू बनाना पड़ता था। सो इसीलिए विजुअल स्टूडियो को मार्केट में लाया गया और इसमें इनबिल्ट टूल्स दिया गया जो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। दूसरा बात है कि आप एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, तो इसके बारे में मैं बता दूं कि एडवांटेज इसमें ये है कि विजुअल स्टूडियो जब आप यूज करते हैं, सो आपको आप एडवांटेज की आप
बेसिक्स अगर थोड़ी सी भी जानते हैं सो आप इसको यूज करना कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ऐसी कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि आप आपको जानना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद ये व्हाट इज डॉट नेट फ्रेमवर्क, तो आप सभी को ये पता है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है। फ्रेमवर्क एक है जो आप मतलब सिंपल लैंग्वेज में जान सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ क्लासेस, जो सिस्टम डिफाइंड क्लासेस होते हैं और जो हमें मतलब मिनिफाइड करके दिया गया है, सो हम इसको यूज कर सकते हैं इस डॉट नेट फ्रेमवर्क में। डॉट नेट फ्रेमवर्क जैसे में आप अगर लेते हैं तो जैसे अभी तक लिंक क्यू है, बहुत सारा चीज़ है जो आप डॉट नेट फ्रेमवर्क के सहारे आप यूज कर सकते हैं। और ये जान के रखिए डॉट नेट फ्रेमवर्क एक लाइब्रेरी है, ठीक है। लैंग्वेज क्या क्या सपोर्ट करती है, तो मैंने आपको बताया, शुरू में ही बता दिया था, लगभग 54 लैंग्वेज ये सपोर्ट करती है, और अभी कुछ और लैंग्वेज बढ़ गई है। तो हम सबके बारे में नहीं देखेंगे और सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ सी शार्प के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे दूसरी सीरीज़ में मैं आपको HTML, CSS प्लस jQuery और SQL सर्वर का भी आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो हम लोग देखेंगे अभी ऑब्जेक्ट क्या है, वेरिएबल क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्ट्रैक्शन, क्लास, फंक्शन, मेथड। सो देखें, ऑब्जेक्ट नथिंग है, कुछ नहीं है ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे लिखा है, वी कैन से ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट ए थिंग विच परफॉर्म अ सम एक्टिविटी। जैसे आप खुद को ले लो, अगर आप देखेंगे कि आपकी पांच उंगली है, आपका हैंड है, ये सब चीज़ ऑब्जेक्ट है जो आपका कुछ ना कुछ वो परफॉर्म करता है। जैसे आप एक्टिविटी करते हो वो परफॉर्म करता है। जैसे ऑब्जेक्ट अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो ऑब्जेक्ट हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसको हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि आप एक इस चीज़ को ये दो वैल्यू को ऐड कर लो। एक ऑब्जेक्ट होता है जिस जो हम किसी काम उसको जिस जिसको हम कुछ काम में लाते हैं। जैसे अगर आप देखें, जैसे मैंने बताया था कि हैंड, फिंगर, आइस, ETC कॉल ऑब्जेक्ट। अगर आप एक जिसमें जैसे कि रियल लाइफ में अगर आप एक कार देखेंगे, एक बस, आप देखेंगे उसमें एक खिड़की होता है, एक दरवाज़ा होता है, कार चैक व्हील होता है। ये सब चीज़ एक कार का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जान के रखिए कि ऑब्जेक्ट नथिंग बट जो भी आप देखते हैं, महसूस करते हैं या कुछ भी, वो एक ऑब्जेक्ट होता है, ओके। तो और देखते हैं क्लास क्या होता है। क्लास जैसे क्लास इज प्रेजेंट ब्लूप्रिंट, प्लान, टेम्पलेट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंक्लूड अ थ्री थिंग, नेम, एट्रीब्यूट और ऑपरेशन। तो देखें क्लास क्या होता है। क्लास आप भी जानते होंगे, जैसे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं। अगर देखिए कोई क्लास मतलब कि कोई मान लीजिए कि एक क्लास है जिसमें बहुत सारे बंदे हैं, सभी अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्लास जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्लास कहते हैं। या अगर हम कोई काम को सोच रहे हैं, कोई चीज़ को सोच रहे हैं, उसमें बहुत सारे काम हैं लेकिन हम सोच रहे हैं, तो सोचना हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्लास, हम सोच रहे हैं, ये क्लास हो गया। और कितने काम को सोच रहे हैं, वो अलग अलग काम क्या क्या काम होगा, तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी वो एक क्लास होता है। तो आप देखेंगे कि क्लास बहुत चीज़ होता है। आप कलेक्शन ऑफ मेथड भी बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, एट एवरीथिंग। जैसे मैंने एक कार का एग्जांपल दिया था, तो कार एक क्लास है, बट उसमें जो जो चीज जो हो गया दरवाज़ा, व्हील,
हैंडल, सो ये सब चीज़ ऑब्जेक्ट हो गया उसका। और कार चलती है, वो बिहेवियर कैसे करती है, तो वो चलती है, तो वो भी एक क्लास का एक पार्ट है, सो उसका वो उसको हम ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे। ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल। सो जैसे हमने बताया, क्लास आप मानिए कि एक स्टूडेंट है, तो हम उसको एक क्लास बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? जब हम एक स्टूडेंट के बिहेवियर को डिस्ट्रीब्यूट करें और उस क्लास के अंदर को अंदर में रख दें, तो देखेंगे कि एक स्टूडेंट जो होगा उसका कुछ ना कुछ नेम हो सकता है। वो अगर कोई क्लास में पढ़ता है तो वहाँ पे उसका रोल नंबर होगा, उसका कोई एज होगा, और उसका जैसे लाइक वो कैसे बिहेव करता है, कौन सा सब्जेक्ट को लेके पढ़ता है, तो ये सब चीज़ एक ऑब्जेक्ट हुआ। और इन सभी चीज़ को एक जगह अगर हम रखते हैं तो वो क्लास हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव अ नेम, विच हैव अ एट्रीब्यूट, विच हैव अ फंक्शन, सो उसको हम क्लास कहते हैं। सो ये हुआ क्लास का डिटेल। यदि आपको इसमें कुछ कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसको सही से आपको डिस्क्रिप्शन और डिटेल बता दूंगा। सो अब हम पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। एक्चुअली ये सब चीज़ आप जब भी कभी भी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे, सो ये चीज़ मस्ट पूछा जाता है। हमारा इसमें इस सॉफ्टवेयर लाइन में 3 इयर्स नियर अबाउट 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, सो मैं आपको बता सकता हूँ और बता रहा हूँ, और मैं अभी इंटरव्यू भी लेता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा चीज़ पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? तो इनहेरिटेंस अगर आप सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे, जानना चाहते हैं, तो इनहेरिटेंस एक समझिए बेस क्लास है। ओके, और जब हम कोई सब क्लास को बनाते हैं तो बेस क्लास से कुछ ना कुछ चीज़ें को लेकर हम सब क्लास को बनाते हैं। ओके, सो जैसे अगर आप बात करते हैं तो आपका पापा मम्मी, अगर आप हैं तो आप हो सकता है कि आप अपने पापा के जैसे बिहेव करते हैं, या अपने मम्मी के जैसे आपका लुक है, ठीक है, आपकी आवाज़ आपके पापा के जैसे, सो ये आपके पापा अगर एक क्लास है तो आप उनका ड्राइव क्लास होते हुए। ओके, सो जैसे कि आप अगर कोई चीज़ को बनाते हैं, जैसे आप देखेंगे कि फेसबुक बनाए। ओके, सो फेसबुक कैसे बना? तो फेसबुक पहले देखा ओरकुट, वहाँ से कुछ नॉलेज लिया, जीमेल से कुछ नॉलेज लिया, सो हमारे यहाँ पे ओरकुट, जीमेल एक्चुअली वेस्ट क्लास है, और ये जो फेसबुक बना वो आपका ड्राइव क्लास हुआ। ओके, सो ये आपका इनहेरिटेंस का एग्जांपल। तो इनहेरिटेंस जैसे लाइक आप देख रहे हैं ड्राइंग में, डायग्राम में, एक्चुअली बेस क्लास क्या है? एक शेप है। ओके, हम एक शेप बनाना चाहते हैं, बट हमें पता नहीं है कौन सा शेप बनाना चाहते हैं। अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो वो शेप से ही आएगा। ओके, अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं वो भी शेप में ही आता है, स्क्वायर बनाएंगे वो भी शेप में ही आएगा, या पाई चार्ट बनाएंगे वो भी शेप में आएगा, या कुछ भी बनाए। ओके, शेप से रिलेटेड, तो शेप यहाँ पे बेस क्लास हो गई। और जो भी स्क्वायर ट्रायंगल रेक्टेंगल बात करें तो वो हो गया आपको ड्राइव क्लास। ओके, सो यहाँ पे इनहेरिटेंस फाइव टाइप का होता है, जैसे लाइक सिंगल इनहेरिटेंस। अगर कोई भी वन टू वन होता है तो उसको हम सिंगल वन टू वन होता है तो उसे हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि जैसे लाइक आपके पापा, आप उनके बेटे हुए, आपका कोई ना कोई बेटा होगा या बेटी होगा। सो ये जनरेशन कैसे चल रहा है? फर्स्ट आपके पापा हुआ, उसके बाद आप, उसके बाद आपके बेटा बेटी। सो
इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। बट मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, ये दोनों में आप कंफ्यूज ना हो। ओके, पहले मल्टी लेवल को एक बार और उसको समझा दूँ। जब आप कोई किसी चीज़ का बात करते हो जो सिंगल लाइन में हो, ओके, तो उसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, एक से ज़्यादा हो। बट मल्टीपल इनहेरिटेंस देखे होंगे कि आप एक ट्री का बात कीजिए, ओके, तो ट्री क्या होगा कि अगर आप ट्री को उल्टा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वहाँ यूज किया गया है। आप ट्री को उल्टा देखिए तो सबसे पहले जड़ है, उसका बेस है, जड़ जिसको बोलेंगे हम, उसके साथ उसके बाद उसके मतलब कि ब्रांचेज हैं, जो आपको बहुत सारा ब्रांचेज है, जैसे जैसे इधर उधर जो भी फैला हुआ है, उसके बाद उसका लिप है, जो पत्ती बोलेंगे वो आए, सो और उसके बाद उसका फ्रूट आता है, तो इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, हाइब्रिड इनहेरिटेंस सेम मल्टीपल इनहेरिटेंस के जैसा ही है। ओके, हिरास्कर होता है, जब आप वाटर फ्लो देखेंगे, वाटर फ्लो हिरास्कर डायग्राम में आता है, हिरास्कर इंटरफेस इनहेरिटेंस में आता है। तो जहाँ तक लगती है कि आपको इनहेरिटेंस कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ में आ गई होगी। ओके, सो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। इनकैप्सुलेशन, ये एक मेन टॉपिक है और ये एवरी मतलब एवरी इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो इनकैप्सुलेशन कुछ भी नहीं है, इनकैप्सुलेशन जस्ट हम किसी चीज़ को हाइड करना चाहते हैं सामने वाले से, ओके, ताकि सामने वाला उस चीज़ को यूज ना कर पाए, उस चीज़ को देख ना पाए। ओके, सो हम उसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। सो जैसे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, पढ़ रहे होंगे कि इनकैप्सुलेशन इज ए बाइंडिंग अ मेंबर वेरिएबल एंड मेथड टुगेदर और बाइंडिंग क्लास और वेरिएबल टुगेदर। ओके, सो जैसे आप देखते होंगे कि हम जिस कोई भी बटन पे क्लिक करेंगे, सो फ्रंट एंड को ये पता होता है कि हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि बैकएंड में क्या कोडिंग लिखा हुआ है, क्या डेटाबेस कॉल किया जा रहा है, सो इसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें कि मेंबर वेरिएबल मेथड को अगर बाइंड करते हैं, सो वो एक क्लास बन जाती है जिसको हम कॉल करते हैं, ठीक है, तो हम क्लास को कॉल करते हैं, क्लास अपना दूसरा काम करता है, तो हम ये चीज़ को बाइंड करके रखते हैं। ओके, सो सबसे बड़ी एग्जांपल है क्लास, क्योंकि क्लास में हम एवरीथिंग डिक्लेयर करते हैं, बट हम उसको सिर्फ बोलते हैं क्लास, ये नहीं बोलते हैं कि वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, मेथड है, फंक्शन है। एक्चुअली फंक्शन नहीं डिक्लेयर किया जाता है, मैं आपको समझाऊंगा कि क्लास के अंदर जो हम फंक्शन लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, और क्लास के बाहर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं। ओके, सो इनकैप्सुलेशन में भी आपको समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। आप देखिए पॉलीमॉर्फिज्म, ये जस्ट लाइक इनहेरिटेंस के जैसा ही है, अगर बोले तो कॉपी होता है, इनहेरिटेंस का ही कॉपी होता है। पॉलीमॉर्फिज्म में ये बोला गया है, अ सिंपल वर्ड वी कैन से व्हेन वन ऑब्जेक्ट और पर्सन डू डिफरेंट वर्क एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस प्लस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। बोला क्या गया है कि यदि कोई भी पर्सन का बात ले लो, यानी मैन का बात ले लो, या एक ऑपरेटर का बात ले लो, ओके, जैसे लाइक अगर एक स्टूडेंट का बात करते हैं, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, स्टूडेंट का बात करते हैं, तो एक लड़का का बात करते हैं, बॉयस का, ये अगर कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो ये एक कस्टमर कहलाएंगे, अगर बस में बैठते हैं तो वो पैसेंजर कहलाएंगे, स्कूल में जाते हैं तो वह स्टूडेंट कहलाएंगे, या होम पे रहते हैं तो वो सन या कुछ
वो किसी का बेटे हैं क्या, कुछ भी है। ओके तो ये क्या होता है कि एक बंदा, एक लड़का अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसको सिंपल वे में यही कहेंगे, जब एक एक ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करे तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखे होंगे, एग्जांपल बता दूं कि यदि आप प्लस ऑपरेटर का यूज दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए करते हैं तो वो उसको कॉन्कैटिनेट कहता है और उसको फुल्ली स्ट्रिंग दे देता है। जैसे आप फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम को अगर आप ऐड करते हो तो वो फर्स्ट नेम, जैसे लाइक मैं बोलूँ फर्स्ट नेम अविनाश, सेकेंड नेम श्रीवास्तव। ओके सो वो देगा अविनाश श्रीवास्तव। अगर ये अगर स्ट्रिंग पे यूज किया जाए तो अगर हम उसको इंटीजर, डेसिमल या किसी चीज़ पे यूज करते हैं तो वो दोनों फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का सम देगा हमको। तो क्या हुआ यहाँ पे, एक ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर, सम ऑपरेटर, जिसका अगर हम अलग अलग चीज़ पास करें या अलग अलग चीज जगह पे रखें तो अलग अलग बिहेव करेगा। तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो ये एक सिंपल ट्रिक है, आप समझ के रखिए और ये आपको फ्यूचर में काम आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फंक्शन। आप इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत सारे बंदे होते हैं, फंक्शन क्या होता है और मेथड क्या होता है वो दोनों में बहुत 99% जो फ्रेशर बंदे होते हैं या कुछ 6 महीने का भी एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, दोनों में बहुत कंफ्यूजन है उनको। तो क्या होता है ग्रुप ऑफ कोड विच वी गिव द स्पेसिफिक नेम एंड इट डू स्पेसिफिक वर्ड कॉल फंक्शन। जब हम कोई ग्रुप ऑफ कोड लिखते हैं और वो एक अलग काम करता है तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। एक्चुअली वो मेथड भी होता है बट वो दूसरे जगह पे अगर दिया जाए तो मेथड होता है। कहाँ पे दिया जाएगा बात करते हैं उसके बारे में। फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन जब आप लिखेंगे तो उसमें एक रिटर्न टाइप होगा, एक फंक्शन का नेम होगी और उसका कुछ पैरामीटर पास किया जाएगा। ये फंक्शन नेम ओनली आपका एक रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज रिटर्न टाइप और उसका पैरामीटर ऑप्शनल होती है। आप दें ना दें, अगर आपकी ज़रूरत है, आप रिटर्न देना चाहते हैं कुछ तो आप रिटर्न टाइप दें, यदि आप कुछ पास करना चाहते हैं सो आप उसको वहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, बता दो कि मैथ, अगर आप सी प्लस प्लस पढ़े हों तो मैथ एक फंक्शन है। ओके सो वहाँ पे क्या, मैथ का यूज करने के लिए क्या करते हैं, हम दो ने तीन पैरामीटर को सेंड करते हैं ताकि वो तीनों को कुछ भी कर पाए, गुना करे, ऐड करे, भाग डिवाइड करे। ओके तो ये होता है, फंक्शन दो तरह के हो सकते हैं, एक यूजर डिफाइंड, एक सिस्टम डिफाइंड। सिस्टम डिफाइंड में जैसे मैंने बताया मैथ, ओके सम ऑपरेटर, बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जैसे लाइक लॉग, मैथ का बात करें तो। ओके यूजर डिफाइंड में क्या होता है कि हम कोई फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम अपना काम करवाना चाहते हैं, हम अलग से उसको कुछ एक्स्ट्रा काम करवाना चाहते हैं और उसको हम बार बार कॉल कर रहे हैं। ओके एक फंक्शन लिख दिए, उसको हम बार बार कॉल कर रहे हैं एक काम के लिए अलग अलग पेज से। सो क्या होता है, उसको तो पहले हम ओवरलोडिंग कहते हैं। ओके और यहाँ पे क्या होता है फंक्शन लिखने से कि आपको मैक्सिमम कोड लिखनी नहीं पड़ती है। यदि आप दो नंबर को
ऐड करना चाहते हैं या 5 नंबर को ऐड करना चाहते हैं, और ये चीज़ आपका हर पेज पे ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, हर पेज पे कोड लिखेंगे? पॉसिबल नहीं है, और आपका प्रोजेक्ट का लेंथ ऑफ कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे आपको परेशानी होगी बाद में जाके। ओके, तो इसलिए हम एक फंक्शन लिखते हैं, ओनली हर पेज से उसको कॉल कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारा लेंथ ऑफ कोड कम जाती है, और जब हमको अगर उसमें कोई एरर आता है तो चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, तो इसलिए फंक्शन को लिखा जाता है। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, उसको हम लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं, जस्ट लाइक आप देखे होंगे हेडर फाइल, DDL वगैरह एक फंक्शन है। ओके, तो जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, यहाँ पर रिटर्न टाइप भी है, यहाँ पर आपको रिटर्न टाइप फंक्शन का नेम आपको लिखना है, और कोई भी पैरामीटर आप पास करना चाहते हैं तो पास करें, यहाँ पे आपका फंक्शन का बॉडी है, यहाँ से आप रिटर्न कर रहे हो। ओके, लाइब्रेरी फंक्शन मैंने बताया, मेन, मैथ, हेडर फाइल, TDL, बहुत सारी चीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट में मैं इसको आपका प्रैक्टिकल बताऊँगा तो आपको पूरे अच्छे से इसका समझ में आएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, मेथड, एक्चुअली क्या होता है, मेथड मेंबर ऑफ क्लास होता है, जैसे मैंने बताया मेथड और फंक्शन दोनों एक होता है, बट अगर हम किसी फंक्शन को क्लास के बाहर लिखते हैं तो वो फंक्शन ही रहता है। ओके, बट हम उसको क्लास के अंदर लिख देंगे तो वो मेथड हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि व्हेन अ फंक्शन डिक्लेयर इनसाइड ऑफ क्लास एंड कॉल देन इट्स से मेथड, अगर किसी फंक्शन को हम क्लास के अंदर लिखते हैं और उसको कॉल करते हैं तो वो मेथड हो जाती है। एग्जांपल आप देख लें, पब्लिक क्लास, मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम प्रोग्राम रखा। ओके, उसके अंदर में एक हम फंक्शन डिक्लेयर किया, आपको सेम फंक्शन के जैसा ही है, आप फंक्शन के जैसा ही है, बट एक्चुअली ये क्लास के अंदर है, सो इसको हम मेथड बोलते हैं। सो अगर इसमें कोई अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में कीजिए, कमेंट में आप अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, अदरवाइज उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा आपको सीखने में, और सिंपल हो जाएगा आपको, कोई भी चीज़ आपको लगती है कि आपको छूट गया है, हमसे छूट गई है, हम उसको नहीं बता पाए, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। ओके, सो आप देखे होंगे कि जो भी मैंने आपको बताया, ओके, सो ये जस्ट बेसिक है, मैं आपको फ्यूचर में जो भी आपको बताऊंगा जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा, सो प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, गारंटी आपको दे देता हूँ कि आप हमारे वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा आप सीख पाएंगे। ओके, सो देखने के लिए थैंक्स, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूले नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।